तो चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। अक्सर इस टाइप के टॉपिक के वीडियो नहीं बनता है, बट नेसेसरी हो गया है। अब चैनल जो है 30,000 पार कर चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, जो कि 30,000 तक मैं पहुंचा, कितने मुश्किल का सामना किया और कितने सारे वीडियो बनाने पड़े, कितने सारे लोगों से रिलेशन रखना पड़ा और कितने टाइप का मुसीबत का सामना करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। और दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता कि जो लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो उनके चैनल में कुछ ऐसा पंगा पड़े। तो सिंपल इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए मुझे दो चार मोबाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ना बड़ा सा कैमरा की जरूरत है। सिंपल मेरे मोबाइल ऑन किया, माइक सेट किया, चालू हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, काफी इंटरेस्टिंग। अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी किसी भी प्रोफाइल हैंडल यूज करते हैं, आज यूट्यूबर हो गया, एक ब्लॉगर हो गया या प्रोफेशनल सोशल साइट पे आप वर्क करते हो, तो आज के टाइम में काफी फ्रॉड हो रहे हैं। उस चीज के बारे में मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैं जो चीज बताऊंगा उसके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि अगर आप ये कर देते हो, ये तीन चीज को मानते हो, तो आपका यूट्यूब चैनल कभी हैक नहीं होगा या प्रोफाइल जो फेसबुक या जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल कभी भी हैक नहीं होगा, तो ये सब गलत बात है। जिसको करना होगा तो वो कर लेगा, बट ये जो प्राइमरी चीज है, ये चीज को आप रख के चलना। शुरुआती दिनों में क्या होता है, जब कोई स्टार्ट करता है यूट्यूब, तो वहां पर या इंस्टाग्राम पर कोई एक ऑडियंस बोल्ड करता है, तो सोचता है कोई इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, कोई एडवर्टाइज करेगा, जो भी कुछ अर्निंग सोर्सेस रहता है। बट वहां पे क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम दिनों में इतना कोई गाइड करने के लिए होता नहीं है, ना इतना ध्यान रहता है कि मुझे ये चीज एक्टिव करना चाहिए, वो चीज एक्टिव करना चाहिए, जिसके कारण दूसरा कोई आके आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ ना करे। और छोटी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें आपके सामने आएगा जो कि आपको लगेगा कि अगर मैं यहाँ कर दूं तो रातों रात मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, जो भी एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी अगर कोई भी अकाउंट्स ओपन करते हो, आज के टाइम में एप्लीकेशन थ्रू सारे वर्क करने लगे हैं, आप चेकआउट कर लेना कि वहां पर ऑप्शन होगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन होगा। नॉर्मली हम व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हो, अगर मेरा व्हाट्सएप दूसरे किसी डिवाइस पे रन करता है तो मेरे को लॉगिन करने के लिए कोई कोशिश करता है तो मेरे को मैसेज जरूर आएगा। ऑब्वियसली मैं अपने डिवाइस के अंदर यूज करते टाइम मुझे कई बार ऐसे बोल देता है कि आप मतलब दोबारा पासवर्ड दीजिए तभी एंटर करिए, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। सेम टू सेम यूट्यूब चैनल पर भी है ऑप्शन। जब YouTube चैनल आप ओपन करो तो एक क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी रखिए और साथ ही साथ एक यूनिक नंबर रखिए, जो कि आपको एंड तक वो नंबर रहेगा। जब तक YouTube चैनल है तब तक आपको वो जो मोबाइल नंबर आपके साथ रहेगा। कभी ये नहीं सोचना कि चार दिन में यूज करूंगा, वो नंबर दे दिया, फिर वो नंबर कहीं चला गया, दूसरा नंबर डालूंगा, ये गलत हो जाएगा। YouTube समझता है आपको, आप भी YouTube को समझना चाहिए। वहां पर एक ऑप्शन है, आप जब जाओगे अकाउंट जो वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां पे ऑप्शन होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप अगर वो सेटअप कर देते हो, आप किसी भी जगह हो, कहीं भी हो, अगर आपके चैनल के साथ कोई छेड़छाड़ किया या चैनल पर दोबारा कोई लॉग इन करने आया, तो आपको तुरंत मैसेज आएगा। तो वहां पर वो मैसेज आएगा तो आप वहां पर ब्लॉक कर सकते हो आपके अकाउंट को कुछ टाइम के लिए। तो मे भी ये एक बेसिक चीज है, बेसिक जानकारी है, तो मुझे पता नहीं था। मैं भी शायद जब 10,000 सब्सक्राइबर हो गए था तब तक मुझे नहीं पता था। अब ये ऑप्शन भी धीरे धीरे सारे एप्लीकेशन सारे साइट पे अवेलेबल हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह में, यूट्यूब पे भी इवन अवेलेबल है। जानकारी जो है ये चीज क्या है, अगर आपका सिंपल आपके चैनल को कोई हैक करने वाला है तो आपको आपको बता के नहीं करेगा। देखो, आपका ईमेल आईडी वो पहले ट्रैक करेगा आपके यूट्यूब चैनल पर जाके, फिर आपको ईमेल एक बढ़िया सा करेगा कि आप एक गेम का रिव्यू कर दीजिए, तो इस गेम के थ्रू हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वहां पर क्या होता है ना, शुरू शुरू में जब आप स्टार्टिंग करते हो, 10-12,000 सब्सक्राइबर आपके पास आ जाते हैं, तो व्यू थोड़ा बहुत आता रहता है। आप सोचते हो यार कहीं स्पॉन्सरशिप मिल जाए, आपने कई सारे यूजर्स को, दोस्तों को भी बोल रखे होंगे जो यूट्यूब पे काम करते हैं, कोई स्पॉन्सर आया तो हमें बताओ। तो उस बीच में वो ईमेल आता होगा तो आपके पास, आप तुरंत क्या है ना, वहां से सारे ओके करके अपना जो कि यूआरएल दे देते होंगे, उस बीच में आपके साथ गलत हो सकता है। तो आप जानकारी में बात करिए, कोई भी इस टाइप का चीज आता है, जैसे इंडिया से बाहर कोई आता है, इंस्टेंट आप कोई जानकारी बंदा है आपका जो कि आपको जानता हो, या कोई ऐसा यूट्यूबर से बात करिए, संपर्क में रहिए, उनसे पूछिए कि इस टाइप का ईमेल आया मेरे पास, मेरे चैनल तो इतना ग्रोथ नहीं किया है, बट मुझे इस टाइप का क्यों आया।
तो वो एक सेटअप है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे, जैसे ना शुरुआती में बहकावे में मत आना, जैसे कई सारे ऑफर आएंगे आपको कि आप इतने डॉलर देंगे उतना देंगे, भाई पैसे के पेड़ पे उगते हैं, तो ऐसा होता तो बहुत सारे पैसा लोग कमा लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये सोच समझ के करोगे तो आप अपने अकाउंट्स को सेव कर सकते हो। एक तीसरा वाला फीचर्स जो है ये क्या है, कई सारे ऐसे अनैतिक तथ्य, मतलब ऐसी फालतू की कंपनी है, वो आपको मैसेज करते रहेंगे कि आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ा देंगे, आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, आपका वो अचार कंप्लीट कर देंगे, आप हमें ज्वाइन कर लो या इतना इंस्टेंट पे करो पहले, तो फिर आपका ये काम हो जाएगा। कभी ये गलती मत करना, अगर कर दिए तो वो आपके सारे डिटेल्स ले जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट्स का जानकारी उनके पास पहुंच जाएगा। तो जैसे वो लॉगिन करोगे, वो कोई एप्लीकेशन दे देंगे या कोई वेबसाइट दे देंगे आपको, जैसे आप जाओगे तो आपका पासवर्ड वगैरह सब कॉपी हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप ही ऐसा होता है जो कि वो सोचते हैं कि आप रात दिन मेहनत करके एक चैनल को यहाँ तक लाओ तो एक झटके में वो खत्म हो जाए। मानो आपके पास लाख सब्सक्राइबर नहीं है कि यूट्यूब भी आपके पास खड़ा हो जाएगा, आप छोटा चैनल होगा 15,000-20,000 जो भी है, आप उस टाइम परेशान हो जाओगे, आपको कोई हेल्प भी इतना करेगा भी, लेकिन वो चैनल कम के वजह से उस टाइम आपका कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसलिए कभी भी इस टाइप की गलती नहीं करना, ये तीन चीज को ध्यान रखना, और बाकी आप अपने काम पे ध्यान दो, आज नहीं कल आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। बस ये था आज के वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में इस टाइप का एक थोड़ा सा जानकारी टॉपिक आपको देने के लिए।